अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द जेएसडब्ल्यू कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एलिमेंट वाज नॉट नोन व्हेन मेंडलीव प्रपोज्ड हिज क्लासिफिकेशन। जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी तो तब कौन सा एलिमेंट नहीं था? ऑप्शन डी जर्मेनियम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपीयर इन द सेम फैमिली। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी फैमिली सेम होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नोबल गैसेस आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर। नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट के लेस रिएक्टिव होती हैं, हैविंग कम्प्लीटली फील्ड बैलेंस शेल और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की असेंडिंग ऑर्डर की बेस पर एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? सिक्स्थ पीरियड है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको हम लेंथेनाइट बोलते हैं, एक्टिनाइट्स बोलते हैं और रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवंथ पीरियड कंटेन्स डैश नॉर्मल एलिमेंट्स। सेवंथ पीरियड में कितने नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू डैश ब्लॉक्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक्स में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉन मेटल्स यूजली फॉर्म डैश ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच पोजेस डैश प्रॉपर्टीज़। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेस्ट पोजिशन जो है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है? ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी के बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स और सिमिलर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद कार्बन बिकॉज ऑफ हैविंग। हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्यों रिजेंबल करता है? बिकॉज ऑफ रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोइनेज मेटल्स Cu, Ag और Au। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सेम ग्रुप से कौन से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन बी नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। व्हाट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड इन दिस वे? ऑप्शन डी इट्स नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच डिस्कवरी कॉज्ड अ रिवीजन in the periodic law as stated by Mendeleev. Option B atomic number by Moseley is the correct answer. Question number 30 है, an element has electronic configuration when s2 to s2 2p2 it belongs to. Option B group 4a element. Question number 31, the property which increase up to group 4a then decrease onward. Option C melting and boiling points. Option C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल क्या होता है? कौन सा आयन स्टेबल होता है? ऑप्शन सी क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डैश एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। ऑप्शन सी आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको हम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूट्रियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। ड्यूट्रियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, हैवी वाटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैग्नीशियम की ग्रेटर होती है एल्यूमिनियम से। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, ये ऑल ऑफ द अबव और नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, इन सब पे डिपेंड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू आर यूनिनेगेटिव आयन इज ऑलवेज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स, हायर वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो क्या उसका मतलब होगा कि एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेटालिक करेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और मेल्टिंग पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ 7A ग्रुप एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती हैं, ये इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप 7A के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, अपेरेंट चार्ज इन कंपाउंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम +2 की होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन सी पॉलीमेरिक हैलाइड्स इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज बेरियम, गैलियम एटसेट्रा, ये क्या बनाते हैं हमारे पास, पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू, आयोडीन सॉलिड क्यों होता है हमारे पास, हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज इज, मैंगनीज के ऑक्साइड्स की एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, KMnO लेस दैन MnO2 लेस दैन Mn2O7। क्वेश्चन नंबर 48 है, कीपिंग इन साइज द आइटम Which one is the correct one? Barium greater than magnesium. Option B is the correct answer. Which of the following element has highest oxidation state in its compounds? Highest oxidation state किसकी होती है? Option B is the correct answer. Manganese की होती है। Question number 50 है, Which of the following cannot exist in solution? Solution में से क्या exist नहीं करता? O-2। ऑप्शन ए एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 फिर स्टार्ट हो रहे हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से डिफरेंट क्या होता है, फॉस्फोरस डिफरेंट होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0°C। ऑप्शन ए नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर मोस्टली कोवलेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, SO3 इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन वाटर डायरेक्टली बिकॉज, क्यों डिजॉल्व नहीं होता ये, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉस्फीन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इफ फॉस्फोरस एसिड इज सब्जेक्टेड टू बोथ बी एंड सी। रिडक्शन करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फॉस्फोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर, इनमें से कौन सा फॉस्फोरिक एसिड देगा, ऑल ऑफ द अबव, PCl5, P2O5 एंड P2O3 सब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर क्वार्ट्स, प्योर क्वार्ट्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए कलर्ड सॉलिड, ये गलत है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉस्फोरस इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स, फॉस्फोरस का एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब क्या है, लाइट बेरिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस। इनमें से किसके अंदर फॉस्फोरस नहीं होता? ऑप्शन डी स्टील में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस दैट इज पॉइजनस। पॉइजनस फॉर्म फॉस्फोरस की कौन सी है? ऑप्शन ए वाइट फॉर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ग्रेफाइट। इनमें से ग्रेफाइट का यूज कौन सा नहीं है? एब्रेसिव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग इथाइल अल्कोहल विद। इथाइल अल्कोहल को हम किससे ट्रीट करवाएं अगर दोनों बोथ ए एंड बी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। P2O5 और H2SO4 दोनों के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग इन नाइट्रेट टेस्ट इज। नाइट्रेट टेस्ट में जो ब्राउन रिंग बनता है उसकी कम्पोजिशन क्या होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, FeSO4.NO। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉस्फोरस एसिड अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजुअली स्मेल्स लाइक गार्लिक। गार्लिक की स्मेल किसकी होती है? ऑप्शन ए P2O3 की होती है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ P2O5 इज हाइग्रोस्कोपिक पाउडर विच सब्लाइम्स एट। सब्लाइम किस पे होता है? ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A विच इज अ नॉन मेटल इज। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट्स बेसिसिटी इज। फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 6A आर डैश इन नेचर। 6A के एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो passivity when treated with concentrated HNO3। The answer is option D, all of the above, iron, chromium और aluminium सारे के सारे ये passive होते हैं। Question number 22 है, which allotropic form of phosphorus is the most stable। सबसे ज़्यादा stable कौन सी form होती है? red form black form होती है। Option B is the correct answer। The gas which cannot be dried by concentrated H2SO4, the correct answer is option B, H2S। कि ये इसमें ड्राई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कीनाबार इज HGS। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, FeSO4 फॉर्म्स ब्राउन रिंग विद। किसके साथ ब्राउन रिंग बनाता है? ये NO के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्सीजन एंड सल्फर रिजेंबल इन ऑल एक्सेप्ट। ऑक्सीजन और सल्फर रिजेंबल करते हैं एक्सेप्ट किस में? कि ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद ऑल एक्सेप्ट। ऑक्सीजन में से किसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट? ऑप्शन डी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्सेनिक ऑक्साइड्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग थ्रू। आर्सेनिक ऑक्साइड्स को हम रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? बाय पासिंग थ्रू फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच कंपाउंड नाइट्रोजन हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन डी HNO3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद एथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स लाइक। सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। ऑप्शन मेन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है? एनिमल्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव बाय। ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि हम इसमें इथाइलेट भी मिलाते हैं और मिथाइलेट भी मिलाते हैं और इसकी आइसोमराइजेशन भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोकार्बन्स विच बर्न विथ स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्टेन नंबर ऑफ 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज 100 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोपीन कैन एग्जिबिट। प्रोपीन एग्जिबिट करता है इनमें से नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज यूजुअली फाउंड इन अल्कीन्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन, क्वेश्चन नंबर 7 है पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन हैव द सेम, इनका सेम क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियली नॉन पोलर एंड एग्जिबिट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय जैकब बर्ज़ेलियस, ऑप्शन सॉरी वोलर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी organic compounds cannot be synthesized from the inorganic compounds, option B is the correct answer। Question number 11 है first organic compound synthesized in laboratory क्या था वो यूरिया था, option D is the correct answer। Question number 12 है double bond consists of, double bond में क्या होता है 1 sigma होता है और 1 pi bond होता है, option C is the correct answer। The property of carbon chain formation is called, इसको हम बोलते हैं catenation, option A is the correct answer। केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट मेंबर जो है वो सेम होती हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला, इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 है रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो स्लो होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कोल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिके ऑफ वुड, वुड की डिके से बनता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है मिथेन इज यूज इन पावर स्टेशन पावर जनरेशन इन केमिकल इंडस्ट्रीज बीइंग अ, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीपर होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्रूड, क्वेश्चन नंबर 21 है क्रूड ऑयल इज़ ब्लैकिश कलर्ड लिक्विड प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। The process in which large molecule with high molecular weight break down into smaller molecules, जिसको हम क्या बोलते हैं pyrolysis का process बोलते हैं, option B is the correct answer। Question number 23 है at low temperature and pressure cracking can be done in the presence of catalyst, option C Al2O3 and SiO2, option C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 24 है द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यू टू प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्रैकिंग नॉकिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंटेंस नॉकिंग, इंटेंस नॉकिंग क्या शो करवाता है कौन शो कराता है एनहेप्टेन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, ऑप्शन बी इथाइल लेड हम यूज करते हैं। C2H5 का ट्वाइस C2H5 का 4 PB, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है ईथर फंक्शनल ग्रुप कैन बी कौन सा होता है ROR। क्वेश्चन नंबर 28 है आइसोमेरिज्म विच इज प्रेजेंट ओनली इन अल्कीन में कौन सा होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट MCQs इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।